हेलो दोस्तों, वेलकम स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। सबको कम से कम 100 से 200 डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो कम से कम 14 से 15,000 रुपये का फ़ायदा आप सबको होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करते हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देके जाने वाला है, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला आपका टास्क है दोस्तों कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है रोज अर्न। जैसे आप रोज अर्न सर्च कर लेते हो, यहाँ पे आप देखो आपके सामने 1374 सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे इसको आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक लिंक दिया जाएगा दोस्तों। ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक को आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है अपने क्रोम ब्राउजर में। soulstreet.finance का एक एयर ड्रॉप हमारे लिए आया हुआ है, इसको आप सभी को ज्वाइन करना है। तो इसको आप जैसे ओपन कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अगर आपके पास solid.io में अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पे पहले अकाउंट बनाओ। वहाँ पे अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल होता है, आपको solid.io का लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना लेना। जिस तरह से आप लोग ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बनाते हो बिल्कुल वैसा ही है इसमें, ठीक है। तो जैसे आप ये काम कर लेते हो उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, वापस से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ पे आप देखो आपको कनेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है solid.io से। इस वीडियो में आपको अनलिमिटेड ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। पिछली बार मैंने एक एयर ड्रॉप दिया था सोल राइज का, जिससे लोगों को 500 डॉलर का फ़ायदा हुआ है। लगभग मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, मतलब कि 40 से 50,000 रुपये एयर ड्रॉप से, आप खुद सोच के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो आपको एक एयर ड्रॉप का एक सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे कह रहा है 20 योर वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अकाउंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास तो अकाउंट तो है नहीं, ठीक है, तो वो कैसे करोगे आप। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको अप्रूव पे क्लिक करना है। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों। जैसे ही थोड़ा सा लोडिंग लेता है उसके बाद यहाँ पे आपको अप्रूव 100K, ठीक है, आपको 1,00,000 डॉलर मिलने वाले हैं टेस्टनेट के रूप में, जिसका आप यूज करके ट्रेडिंग करोगे। कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एयर ड्रॉप पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करके इसको अप्रूव कर देते हो तो फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा बैलेंस जो है वो हमें डॉलर्स मिल चुके हैं। अब क्या करना है हमें दोस्तों, जैसे आप सभी को USDC मिल जाएगा, 1,00,000 डॉलर आपके क्रेडिट हो जाएंगे टेस्टनेट बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई ईमेल, तो यहाँ पे अपना ईमेल आपको डालकर सिंपल से इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इतना सा छोटा सा आपका काम है, सिंपल सा आपको इसको ज्वाइन करना है। जैसे इसको आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको बैक टू प्रीवियस पेज पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप ये काम कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वापस से वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है ना वो कनेक्ट से हट जाता है। तो वापस से आपको एक बार कनेक्ट कर लेना है। अगला स्टेप दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो आपको एक ऐप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपके सामने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का यहाँ पे आपको फंड्स देखने को मिल जाएगा, जो लोग अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं इन द सेंस आपको क्या करना है, मतलब कि आप ऐसा समझो कि आपके पास 100 डॉलर हैं, ठीक है। 100 डॉलर आपको किसी टोकन्स में इन्वेस्ट करने हैं, और अगर आपने जिस टोकन में इन्वेस्ट किया है उसकी प्राइस बढ़ती है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लो सपोज करो आपने 10 डॉलर का सोल टोकन खरीदा, ठीक है, और कल या परसों 2-4 दिन बाद उस टोकन की प्राइस 40 डॉलर हो गई। तो दोस्तों आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपने 1,000 डॉलर के सोल खरीदे और उसकी प्राइस 40 डॉलर चली गई, 10 डॉलर पे आपने खरीदे थे और अब चली गई 40 डॉलर, तो आप समझ रहे हो, मतलब कि इस तरह करके आपको अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। तो ये सब कैसे करोगे ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो टॉप पर कोई बंदा है, ठीक है, जिसका परफॉर्मेंस इंक्रीज है, वो ट्रेडिंग कर रहा है लगातार। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो
यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आने वाला है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये दोस्तों बेसिकली इसको बोला जाता है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग इन द सेंस इसको बोलते हैं मतलब कि कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई बंदा मैं ही हूँ और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपनी परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे भाई चल ठीक है, तू जो है ना ट्रेडिंग में अच्छा है, मैं तेरे को अपने पैसे दे देता हूँ, तू मेरा पैसे को थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है। तो सेम टू सेम अपन यही करने वाले हैं, इस बंदे के अकाउंट में हम लोग $10,000 डिपॉजिट करेंगे और ये जो ट्रेडिंग करेगा उससे इसका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको अनलिमिटेड ट्रिक देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। पर अकाउंट आपका $50 से $60 बनने वाला है दोस्तों, मतलब अगर आप 10 अकाउंट बनाते हो 20 अकाउंट बनाते हो तो भाई साहब मज़े ही मज़े हैं। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो तो चलो इस भाई को हम $10,000 दे देते हैं, जा भाई तू भी क्या याद रखेगा। तो सिंपल सा आपको $10,000 पे क्लिक करके डिपॉजिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा, तो इसको आपको अप्रूव करना है। घबराना मत, आपके रियल अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटने वाले हैं, सारा का सारा टेस्टनेट से जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है इसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सा आपको ये जो तीन लाइंस आपको देखने को मिल रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा हो क्रिएट फंड। अब ये क्रिएट फंड क्या है, क्रिएट फंड बोले तो ये आपका फंड होगा जो कि आप ट्रेडिंग करोगे खुद से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी आपने उसको दिए कि $10,000, ठीक है, और यहाँ पे आप कितने बच गए दोस्तों, $90,000 आपके बच गए। तो यहाँ पे आपको क्रिएट फंड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू फंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपना फंड नेम डालना पड़ेगा जो कि यूनिक रहे। तो मैं यहाँ पे सिंपल से रोज अर्न डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और अमाउंट हम यहाँ पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे अपन अमाउंट रखने वाले $60,000, ठीक है। $60,000 का हमारा पोर्टफोलियो रहेगा, उसी से हम सारा काम करेंगे। परफॉर्मेंस फ़ी यहाँ पे $20 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्रिएट फंड पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चाहो तो आप डाउन कर सकते हो, मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। जैसे आप क्रिएट फंड पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास अप्रूव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उस लोडिंग का हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो काम है वो 100% हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फिर से इस तीन लाइन को क्लिक करना है। आप वीडियो को पूरा देखते रहना, बाद में मुझसे मत पूछना भाई ये कैसे करें वो कैसे करें। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड पे जाना पड़ेगा। जैसे आप डेस्कटॉप मोड पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको फिर से अपना वॉलेट जो कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अपना आप वॉलेट कनेक्ट कर लेते हो आपको वापस से आप माई प्रोफाइल के सेक्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे आप माई प्रोफाइल के सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जो भी आपने फंड बनाया है उसका आपको नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैंने रोज अर्न के नाम से बनाया था तो मुझे देखने को मिल गया। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने वाला है। स्वैप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, मेरी बात को समझो, जैसे आप स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास क्या है, यहाँ पे सोर्स क्या है, आपके पास क्या है, ठीक है, तो आपके पास USDC पड़े हुए हैं, तो सारा काम अपन USDC से ही करेंगे। तो USDC से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे बैलेंस कितने, $90,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसमें हमें यूज कितना करना है, ये $60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ कि हम कौन से टोकन पे इन्वेस्ट करें जिससे हमारा परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाएगा, जो कि उस चार्ट में अवेलेबल हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक टोकन है सोल करके, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका प्राइस जो बढ़ सकता है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको चार्ट देख के नज़र आ रहा होगा, एक डे का अगर हम चार्ट देखते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है ये ब्रेकआउट पे है, ठीक है। यहाँ से अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेक कर देता है तो हमें ईजिली सोल का जो प्राइस है वो $46 से $47 तक हमें देखने को मिल सकता है, या फिर ये ऑल टाइम हाई अपना $58 का भी क्रॉस कर सकता है। तो इस टोकन पर हम आँख बंद कर
ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये सोल के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो आपको मैं दो चार टोकन्स बताऊंगा जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टोकन का नाम बता दूंगा, सिंपल सा आपको उस पे लगा देना है। तो आप लोग कैसे लगाओगे ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्वैप पे क्लिक करना है। स्वैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो आपको टारगेट नज़र आ रहा होगा, तो टारगेट हमारा कौन सा है, तो हम सोल को ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी और भी टोकन आपको बताने वाला हूँ मैं। तो हम इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपन चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेट सपोज हम लोग 4 टोकन को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो हमने $60 इसमें डाला था, $60,000 डाला था, तो हम $15,000 का सोल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमें जो है 391 सोल मिलने वाले हैं। तो इसके बाद सिंपल सा आपको स्वैप पे क्लिक करना है। जैसे आप स्वैप पे क्लिक करोगे तो वापस से आपके सोले.io में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको अप्रूव कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप फंड स्टेट में आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपके सोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपके डॉलर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे इसको आप स्वैप कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको दिख रहा है कि सोल का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, अब क्या करना है, अब आपको उसको सेल कर देना है, ठीक है। मेरा परफॉर्मेंस, मेरा पोर्टफोलियो जो घट सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से सोल को सेल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोर्स में क्या करना है, सोर्स में आप सोल सेलेक्ट करना है और टारगेट आपका होना चाहिए USDC। तो यहाँ पे आपके पास 400 सोल हैं, तो 400 सोल यहाँ पे आप चाहो तो 50% या फिर 400 के 400 सोल आप सेल कर सकते हो। जब वापस थोड़ा लो जाएगा तो बाई कर लेना वापस से। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। हालांकि एक दो टोकन मैं आपको और बता देता हूँ जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों दूसरा टोकन हमारा निकल कर आता है दोस्तों, ये लूना टोकन। तो लूना भी आप ले सकते हो। तो लूना हम लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे सोर्स हम कर देते हैं USDC। ओके, तो जैसे आप $10,000 के ले लेते हो, उसके बाद सिंपल सा आपको स्वैप पे क्लिक करना है। सेम टू सेम सारा स्टेप्स वही है, और 2-3 कॉइन मैं आपको और बता देता हूँ। हालांकि आपको 3-4 कॉइन पे ट्रेड करने, आप अपने हिसाब से $10,000 $5,000 लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दिखे कि अरे यार इसका प्राइस जो है वो लो जा रहा है, ठीक है, तो आप ये सब कहाँ देखोगे, ये आप देखोगे बाइनेंस पे, क्योंकि सबके सब वहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। आपको 2-3 दिन तक वेट करना है और देखना कि ये प्राइस जो है कहाँ तक पहुँचा। तो मान लो आपने $37 में सोल बाय किए थे और अभी उसका प्राइस चला गया ये $40 से $45, ठीक है। तो $40 से $45 अगर उसका प्राइस चला गया दोस्तों, तो आप क्या करना है, आपको वहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर उसका प्राइस नीचे आ रहा है तो उसको आपको सेल करके एग्जिट मार देना है, ठीक है। जैसे आप सेल कर दोगे तो आपके पोर्टफोलियो में डॉलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जितने आपने लगाए थे वो तो मिलेंगे ही, और प्रॉफिट रहेगा वो मिलेगा ही। उससे क्या करना, जब लो पे आए तो वापस से आप बाय कर लेना, इससे आपका परफॉर्मेंस जो इंक्रीज होता रहेगा और आपका रैंक जो है दोस्तों वो बढ़ता रहेगा। आपको इसी तरह करके ट्रेडिंग करनी है। आपने एक अकाउंट बना लिया, अब आपको दोस्तों इसी तरह करके आपको कम से कम 10 या 20 अकाउंट बनाना है, ठीक है। 10 से 20 अकाउंट आप बना लेना, मज़े करो बिल्कुल। सब में ये जो टास्क मैंने आपको बताया वो कर लेना, आज रात भर जागो, जो करना है करो, ठीक है। सारा टास्क आप कंप्लीट कर लेना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ solet.io में आपका अकाउंट चाहिए होता है, जो कि आप बिल्कुल इजी बना सकते हो। आपको कोई ईमेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप की तरफ से गिव अवे चल रहा है। आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। सबको पर अकाउंट $17 से $18 मिलने वाले हैं। इसको कैसे करना, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा BUSD का, या फिर आपको सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको एड्रेस कहाँ से लेना है। तो एड्रेस आपको देना है ट्रस्ट वॉलेट से। ट्रस्ट वॉलेट में जाना, आपको स्मार्ट चेन का एड्रेस कॉपी करना है, देन यहाँ पे आपको इसमें पेस्ट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप ट्रस्ट वॉलेट में स्मार्ट चेन का एड्रेस पेस्ट कर देते हो, आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे आपके पास बोलेगा ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करा लेना है दोस्तों। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है, तो सिंपल सा आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप CWS सर्च कर देते हो, सिंपल सा आपको क्रॉन्स पे क्लिक करना है। क्रॉन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो आपके सामने एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हो,
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट में आना है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपका पब्लिक नहीं तो उसको आप पब्लिक कर लेना। पब्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस से आपको जाना है, देन यहाँ पे आपको सिंपल से इसको पेस्ट कर देना है जो कि आपने अभी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टास्क दिए रहेंगे, इन सबको आप कंप्लीट कर लेना। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस यूज़र नेम का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई यूज़र नेम नहीं है। बहुत सारे स्कैमर जो दोस्तों बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका पैसा खाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।